अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर राजधानी लखनऊ से, जहां विधानसभा के विश्वरैया हॉल में राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर जी की 12वीं पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर हृदयनारायण दीक्षित और मंत्री सुरेश खन्ना समेत रमापति शास्त्री भी मौजूद रहे। वह इस मौके पर पूर्व पीएम चंद्रशेखर के योगदान को याद भी किया गया। तो विधानसभा में गोष्ठी का आयोजन किया, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। और साथ ही साथ आपको बता दें, राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर जी की 12वीं पुण्यतिथि को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली का चूल्हा जलना चाहिए, रसोई गैस का चूल्हा जलना चाहिए, बिजली का लट्टू उसके घर में भी जलते हुए दिखाई देना चाहिए। एक गरीब को भी सिर ढकने के लिए छत चाहिए। ये रोटी कपड़ा मकान का नारा देने से नारा सार्थक नहीं हो सकता। उसके अनुरूप किया जाने वाले पुरुषार्थ अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के किया। जब ये लक्ष्य तय किया कि 2022 तक हर परिवार को हम मकान देंगे, 2.5 करोड़ परिवारों को अब तक 5 वर्ष में मकान दिए जा चुके हैं, लगभग 10 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय दिए जा चुके हैं, 7 करोड़ 31 लाख परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, 3 करोड़ परिवारों को एक विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ये विद्युत के कनेक्शन केवल देने नहीं,